Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। गाइज, हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वो उसे मेमोरी में स्टोर करके रखता है। बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इट्स जस्ट लाइक एन ह्यूमन ब्रेन, जो बिल्कुल मनुष्य के मस्तिष्क की तरह होती है। जैसे कि हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। डाटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। इन्हें बिट्स भी कहा जाता है। 1 byte में 8 bits होती है और ये है मेमोरी यूनिट का डायग्राम। सो प्लीज़ आप इससे चार्ट से स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से मेमोरी यूनिट होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके द्वारा डाटा और सूचना को टेम्प्रेरी रूप से स्टोर किया जाता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर बंद होने या बिजली के जाने पर तुरंत मिट जाता है। इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इसमें डेटा टेम्प्रेरी रूप से स्टोर किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, पहली रैम और रोम। अब बात करते हैं रैम के बारे में। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। इनपुट किया गया डाटा रैम में स्टोर हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर CPU उसे वहां से प्राप्त कर लेता है। रैम डेटा को टेम्प्रेरी रूप से स्टोर करती है, जो डेटा को परमानेंट स्टोर नहीं कर सकती। रैम की 2 टाइप्स होते हैं, पहली स्टैटिक और दूसरी डायनामिक रैम। DRAM में डेटा का लाइफ टाइम बहुत कम होता है। DRAM मेमोरी सेल में स्टोर होने के लिए प्रत्येक मेमोरी सेल में 1 ट्रांजिस्टर और 1 कैपेसिटर की एक जोड़ी होती है। DRAM में मेमोरी सेल्स को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक सेल में रो और कॉलम को एक रेफरेंस नंबर है दिया होता है। DRAM रेफरेंस नंबर का उपयोग करते हुए डेटा तक पहुंचता है। उनकी मेमोरी सेल हर कुछ मिलीसेकंड्स के बाद मेमोरी में डाटा को बनाए रखने के लिए रिफ्रेश कर देते हैं। अब बात करते हैं SRAM के बारे में। SRAM ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण ये डेटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की सेकंड मेमोरी, यानी कि रोम और रीड ओनली मेमोरी के बारे में। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंट मेमोरी के रूप में स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा और बदला नहीं जा सकता। इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब बात करते हैं रोम की टाइप की। रोम 4 तरह की होती है, रोम, प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोम के बारे में। तो प्रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि ऐसी मेमोरी होती है इसमें एक बार डाटा स्टोर होने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता, जब उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे प्रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। और सेकंड है ई प्रोम। ई प्रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोम की तरह ही होती है, लेकिन इसमें स्टोर किए गए डाटा को अल्ट्रा वायलेट यानी प्राबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है। थर्ड है डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक नई टेक्निक ई प्रोम भी है, जिससे मेमोरी से प्रोग्राम को इलेक्ट्रॉनिक रेस के द्वारा मिटाया जा सकता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग डेटा को परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की पावर ऑफ होने के बाद भी मेमोरी में डाटा स्टोर रहता है, वो नष्ट नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, DVD, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा। हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क का विकास कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए किया गया था। आजकल इसका प्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर कई क्षेत्रों में हो रहा है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक और सेक्टर होता है, एक सेक्टर में डेटा स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क को डिकेट या फ्लॉपी भी कहा जाता है। इसका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में होता है, जो आकार एवं साइज के आधार पर 2 प्रकार की होती है, मिनी फ्लॉपी और माइक्रो फ्लॉपी। मिनी फ्लॉपी का आकार 5.25 इंच होता है, कि स्टोरेज कैपेसिटी 1.2 MB होती है, और माइक्रो फ्लॉपी का आकार 3.50 इंच होता है और इसकी संग्रहण क्षमता 1.4 MB होती है।
सो गाइस, आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू।